वृंदावन में बांके बिहारी जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए जरा, बिहारी जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? बिहारी जी की उत्पत्ति हुई है निधि वन से। जरा विचार करिए, कहां से उत्पत्ति हुई है बिहारी जी की? निधि वन से। अच्छा, निधि वन से किसने उत्पत्ति करवाई? ये जो है, ये जो स्वरूप है श्री विग्रह श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का, ये बांके बिहारी जी का विग्रह, कल एक प्रश्न रखा था कि इसमें राधा जी कहां पर हैं? राधा जी कहां पर हैं साहब? तो लोगों ने उठा दिया था महाराज जी, कहां जी? समाई हुई है। यह जो राधा जी हैं, ये जो प्रकट हुई, अच्छा इनको किसने प्रकट किया? इनको प्रकट किया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने। बड़ा सुंदर एक भाव आता है, वह भाव बड़ा सुंदर है, हरी जन के हरिदास पुजारी ना होते, हरी जन के हरिदास पुजारी ना होते, तो वृंदावन में बांके बिहारी ना होते, तो वृंदावन में बांके बिहारी ना होते। यह जो वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी जी स्वरूप है, यह स्वरूप अपने आप में बड़ा अद्भुत स्वरूप है, और इस स्वरूप में एक विशेषता है। क्या विशेषता है इस स्वरूप में? यह जो आप देखिए, महाराज जी ने तुरंत दर्शन भी निकाल दिया, यह जो आप दर्शन कर सकते हैं इस स्वरूप में, बड़ा सुंदर भाव है, देखिए आप लोग दर्शन कर सकते हैं, ये आप लोग, इतना सुंदर स्वरूप है ये, इसमें आप लोग दर्शन जब करेंगे तो यह जो है, जब भगवान एक समय श्री जो है हरिदास जी महाराज निधिवन में भगवत सेवा में लीन थे, और निधिवन वह जगह है जहां पर नियमित रूप से रास आज भी रचाया जाता है, आज भी नियमित रूप से रास निधिवन में नियमित रूप से होता है, और उस रास में आज भी भगवान की ढोलक, भगवान के घुंघरू की छाप वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को आसपास में, उन सब लोगों को आज भी उनका जो है ध्वनि सुनाई देती है। और एक और बड़ा सुंदर सूत्र है कि उस निधिवन में पशु पक्षी बंदर, सूर्य उदय जब तक रहेगा तब तक वहां पर रहते हैं, लेकिन ज्यो ही सूर्यास्त होता है तो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और आज भी शिव वृंदावन में बांके बिहारी जी जब शयन करने के लिए आते हैं तो शयन के समय पर वहां पर एक शैया बिछाई जाती है, जल रखा जाता है, कुमकुम रखा जाता है, भोज पदार्थ रखे जाते हैं, और जो है शयन कराया जाता है। तो वहां पर अक्सर करके जो लोग सुबह, उनको हो भाई बिहारी जी जल्दी नहीं जागते, बिहारी जी पे मंगला आरती नहीं होती, शिव वृंदावन बांके बिहारी जी में मंगला आरती का प्रावधान सिर्फ एक ही दिन होता है, वह है जन्माष्टमी। उस दिन बिहारी जी की सुबह प्रातःकालीन वेला में मंगला आरती, नहीं तो अन्यथा मंगला आरती नहीं कराई जाती। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूरी देर रात्रि तक रास रचाया है, और रास रचाने के कारण से भगवान हमारे थक गए हैं, उस कारण से भगवान की मंगला आरती नहीं होती। देर 9:30 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास में पट खोले जाते हैं नियमानुसार, ऋतु के अनुसार। तो उस निधिवन में नियमित रूप से हरिदास जी महाराज भगवान को नियमित रूप से भजन सुनाते थे। एक दिन बड़ा अलौकिक प्रकाश हुआ, उस अलौकिक प्रकाश को सवन कोई नहीं देख पाया सिवाय जो है हरिदास जी महाराज के। तो लोगों ने, भक्तों ने उनसे प्रश्न किया, उनसे शंका रखी, प्रभु ये क्या था? तो उन्होंने कहा था, ये मेरे प्रिय और प्रियम थे जो मेरे आह्वान पर आए। और देखिए कितना सुंदर स्वरूप दिया गया कि अगर आज के समय में आप भक्ति नहीं जानते हैं, अगर आप जो है वेद पाठ नहीं जानते, आप मंत्रों को नहीं जानते हैं, तो सीधी सी बात है, आप केवल और केवल आप संगीत का अध्ययन कर लीजिए, संगीत को आप गा लीजिए, संगीत के माध्यम से भगवान को रिझा लीजिए। तो वो बोले ठीक है, तुमको भी दर्शन कराएंगे।
तो उन्होंने प्रार्थना की और एक राग गाया, वह राग का नाम था मालकोश। उस राग मालकोश से भगवान को प्रकट किया, प्रिया और प्रियतम दोनों को प्रकट किया। और जब दोनों को प्रकट किया तो जरा विचार कीजिए, दोनों उपस्थित हुए और सबने, जितने भी हरिदास जी महाराज के साथ में जितने भी भक्त थे, सबने उनका दर्शन किया। और हरिदास जी महाराज ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब आप यहीं पर विराजमान हो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार करें। बोले क्या? बोले मैं आपकी अलग अलग सेवा नहीं कर सकता। तो बोले फिर? बोले आप दोनों एक ही विग्रह में विराजमान हो जाएं। और वह है दोनों, प्रिया और प्रियतम दोनों एक ही स्वरूप में विराजमान हो गए, दोनों एक ही स्वरूप में विराजमान हो गए। तो भगवान जो इसमें आप बड़ा सुंदर एक दर्शन करेंगे, यह जो दर्शन है, यह दर्शन देखिए, इस दर्शन में भगवान के एक चरण उठा हुआ है और एक चरण रखा हुआ है सीधा। इसमें भगवान का, कृष्ण का श्रृंगार देखिए, आधा श्रृंगार अलग है और आधा श्रृंगार अलग है। भगवान की बाई तरफ चोटी है तो भगवान ने इसमें लहंगा भी धारण किया हुआ है, भगवान ने इसमें पजामी भी पहनी हुई है, जरा विचार करिए। भगवान की चंद्रकला भी है इसमें, मोर मुकुट भी है और नाकौसी, नाक के ऊपर जब हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यह है नाक के ऊपर, अगर आप लोग दर्शन करें तो नाक पे नथ स्त्री पहनती है बाई तरफ, और पुरुष जब धारण करता है तो उसे नाकौसी कहा जाता है। तो बाई और दाई दोनों तरफ भगवान ने धारण की हुई है, अर्थात कृष्ण का जो 16 श्रृंगार का जो स्वरूप है, उस 16 श्रृंगार के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ धारण किया हुआ। जरा विचार किए, ये प्रिया और प्रियतम का स्वरूप है। इसमें आप लोग दर्शन करेंगे, ये देखिए भगवान की बड़ी सुंदर बाई तरफ में चुटीला धारण किया हुआ है भगवान ने। भगवान साड़ी पहनते हैं, ओढ़नी धारण करते हैं। कभी आप लोग जाएं भगवान का दर्शन करें, और इसमें भी अगर आप दर्शन करेंगे, अधिकतर करके लोग ये जो भाव है ना, ये जो दर्शन है, इसको कहते हैं कि ये जो है राधा जी है। नहीं साहब, ये राधा जी नहीं है, ये तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं जो इनके चरणों में विराजमान है, यही सेवा करते हैं। ये राधा जी नहीं है, ये राधा जी तो ये जो है यहां पर बड़ा सुंदर स्वरूप है। उस सुंदर स्वरूप में अगर आप गौर से देखें तो भगवान का चुटीला भी है, कमरबंद भी है, भगवान ने कमरबंद भी धारण किया हुआ है, जो स्त्रियां अधिकतर करके कमरबंद धारण करती, कमर के ऊपर जो पहरा जाता है, पाजेब धारण की हुई है भगवान ने, और भगवान ने दोनों पैरों में पाजेब धारण की हुई है। ये विचार करिए, पुरुष ऐसे खड़ा नहीं होता है जिस प्रकार से हमारे भगवान खड़े। ये जो इनका पैर जो उठा हुआ है, जरा विचार करें, ये पैर जो उठा हुआ है, ये पैर आगे की तरफ उठा हुआ, जरा विचार करिए, बड़ा सुंदर भाव है ये भाव के अंतर्गत में जो आगे का, और बहुत सारे भाव हैं साहब, उनको कितना हम लोग कितना दर्शन करें, कितना तक कहा जाए। आप कभी जाइए दर्शन करिए भगवान का, शिवृंदावन में जो बांके बिहारी जी का स्वरूप है, ये बांके बिहारी जी का स्वरूप, मैंने कहा ना, हरिजन के हरिदास, हरिजन के हरिदास पुजारी न होते तो वृंदावन में बांके बिहारी न होते, तो वृंदावन में बांके बिहारी न होते। अगर हरिदास जी महाराज नहीं होते, आज भी हरिदासी परंपरा चल रही है वहां, और उस हरिदासी परंपरा में ये सखी संप्रदाय है, यहां सखी संप्रदाय में, ये तो आजकल के गुसाई लोग जो है धोती वगैरह पहनने लगे हैं, ये बगलबंदी, नहीं तो पहले जो वहां के जो गुसाई लोग थे वो साड़ियों की बगलबंदी बनाते थे। सखी संप्रदाय, सखी भाव से सेवा है भगवान की इस संप्रदाय के अंतर्गत में, कि मैं सखी हूं और ये इष्ट मेरा है। सीधी सी बात, उस भाव से यहां पर श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो है प्राकट्य हुआ है, और उस प्राकट्य में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने राग मालकोश से भगवान को प्रकट किया है। और आज भी नियमित रूप से भगवान निधि वन में ही शयन के लिए जाते हैं, और जब वहां से जागते हैं तो वहां लोगों को उस शैया पर जो जल का गिलास, जो जल भरा हुआ पात्र होता है, वह खाली मिलता है,
कुमकुम बिखरा हुआ मिलता है, वही जो चादर होती है उन चादर के ऊपर सलवटें मिलती हैं। बहुत सारी बातें हैं साहब जिनको हम इन नेत्रों से, इस बाह्य शरीर से दर्शन नहीं कर सकते। प्रेम होता है, हाँ होता है, दिखाओ मुझे। प्रेम प्रकट की वस्तु नहीं, प्रेम दर्शन की वस्तु नहीं, प्रेम तो दर्शन की वस्तु है साहब, प्रेम दर्शन की वस्तु। और यह प्रेम वही कर सकता है, जरा विचार कीजिए। इकलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, इकलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, जो अपनी ताकत पे तराए वो शेर नहीं होता, जरा विचार कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ये कोई जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। ये प्रेम तो अंतरात्मा से प्रकट होता है। और ये स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जो प्रकट किया है, ये प्रकट कोई साधारण अवस्था और स्थिति में प्रकट नहीं किया, ये हमको और आपको ये संकेत दिया। आप मंत्र नहीं जानते हैं, आप भगवान की पूजा नहीं जानते हैं, आप भगवान की आराधना नहीं जानते, कोई आवश्यकता नहीं है साहब, कोई आवश्यकता नहीं। कम से कम आप भगवान के प्रति आप गुनगुनाइए तो सही, गुनगुनाइए। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा अंत में कि अगर आप गुनगुनाना चाहते हैं तो उसे अपने शब्दों में गुनगुनाइए, फिल्मी राग पर मत गुनगुनाइए, फिल्मी गीतों की तर्ज पर मत गुनगुनाइए, वो अशुद्ध है वो भाव गलत है। उस भाव को अगर आप करते हैं तो आप भगवान के प्रति अपराध करते हैं। ये जो आजकल व्यास गादी पर बैठ करके जो आज फिल्मी गानों की तर्ज की जो व्यवस्था हो गई है, ये हमारे यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है, ये हमारे यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं। हमारे यहाँ पर व्यास गादी की अपनी एक परंपरा है, व्यास गादी की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक मर्यादा है, और जब तक उस मर्यादा का पालन नहीं होगा तब तक आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो गुनगुनाई, लोक भाषा में गुनगुनाई। हमारे यहाँ पे तो भजन इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, विचार कीजिए कितने सुंदर, और एक भजन बोले कितने सारे भजन बोले, बट बोल दो श्रीनाथ जी मैं दर्शन को आई। रोजाना नियमित रूप से रात्रि को होता राधे तेरे चरणों की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकल। कितने सारे भजन है साहब, रे विचार कीजिए। मोए लगी लग गई मन की प्रीत सखी वृंदावन आऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन आऊंगी। मोहे मिल गयो मन को मीत सखी वृंदावन आऊंगी। इतने सारे भजन है साहब, आप गुनगुनाइए तो सही, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप फिल्मी रागों के ऊपर गुनगुनाइए। आप शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से केवल गुनगुनाना प्रारंभ कीजिए, और देखिए जब आप यहां से अंतरात्मा से गुनगुनाएंगे तो सीधी सी बात है सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देगा। आइए बड़े प्रेम भाव से यहीं पर अपनी चर्चा को, चिंतन को